हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर सिस्टर्स में। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो सूजी यानी कि रवा में बहुत सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाई जाती है। और इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ एक बूंद तेल में बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए फटाफट से हम शुरू करते हैं अपने सूजी या रवा अप्पे बनाने। तो यहाँ पर मैंने ली एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और आधा चम्मच नमक। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच है चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और वेजिटेबल्स में है ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटे हुए पनीर के क्यूब्स, बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो अब हम बैटर को खोल के देखेंगे तो ये थोड़ा थिक हो चुका है। तो हम इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बैटर अब एकदम ठीक है। अब इसमें जो वेजिटेबल्स हमने काटी थी वो मिक्स करेंगे। तो बीन्स, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, पनीर के क्यूब्स और धनिया के पत्ते, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग और इन सभी वेजिटेबल्स को मिला के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो और इसके बिना भी बना सकते हैं। तो ये बैटर थोड़ा थिक हो गया है तो यहाँ ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको फिर से मिक्स करेंगे। जैसे इडली का बैटर होता है बस उतना ही हमको गाढ़ा रखना है और ये एकदम परफेक्ट हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत तेज हाथों से, बहुत जल्दी जल्दी नहीं हिलाना है, हल्के हाथों से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया ये अप्पे मेकर, इसको हम ऑयल से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह अप्पे मेकर आपको किसी भी बर्तन की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और इसमें एक एक चम्मच हम बैटर को डालते जाएंगे। सभी सांचों में थोड़ा थोड़ा बैटर हम भर लेंगे। और इसको गैस पे एकदम लो फ्लेम पे हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कवर खोल के देखेंगे तो इसका देखिए ऊपर से भी हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। और इनको एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से हम पलट लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। और इनको इस तरह से दूसरी साइड से भी कवर करके हम 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये सिक गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो ये हमारे गर्मा गर्म अप्पे एकदम फूल के गोलगप्पे बन गए हैं। तो ये गर्मा गर्म अप्पे हमारे बनकर तैयार हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा और रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।